हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का नया व्लॉग, आज से चौथा दिन हमारा हो गया है। नाना के जी के घर आए और उसके बाद हमने भी थोड़ा सा काम करा है। उसके बाद ये पिक्चर को दिख रही है, ये झांकी बनाएंगे। तो हमने भी क्या काम करा, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि नानी मैं और मम्मी उधर काम कर रहे, तो हमने ये बल्ली चेंज करी है। ये टेढ़ी हो गई थी और बीच में से सड़ गई थी, नीचे से थी, ये चेंज करी। देखो ये सड़ गई थी, ये देखो इतनी सड़ गई थी पानी के कारण। तो ये दो बल्ली चेंज करी, इसके बाद अब झांझी बनाएंगे। तो दोस्तों अभी हमारी शुरुआत ऐसी हुई है, चाय पी है, आज अंडे नहीं खाए, क्योंकि आज मैंने बोला था कि उबले हुए अंडे चाहिए, तो उबले हुए अभी अंडे बन रहे हैं। उसके बाद और करूँगा, फिर उसके बाद मेरे को इस पंप से ये छिटना है, इस पंप या फिर वो पंप, इस पंप से छिटना है दवा कद्दून में। तो वहाँ पर फिर कद्दून में दवा छिटने जाना है। तो दोस्तों बने रहिए इस ब्लॉग वीडियो में। तो इधर नानी बर्तन धो रही है और इधर मम्मी अपना कार्य कर रही है और एक माई आ गई है। बोली माई कार रहे माई, हाँ माइका ही, क्योंकि माइका हिंदी समझ में नहीं आ रही और निमाड़ी भी, क्योंकि यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, आदिवासी लैंग्वेज बारेला लैंग्वेज चलती है, तो थोड़ी बहुत हमको भी नहीं आती है, पर थोड़ी बहुत आ जाती है। तो इसलिए माइका पूछ रहा था कहाँ रहते हैं, तो वो बता नहीं पा रहे, उनको उनकी लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। दोस्तों अपने अंडे भी रेडी हो गए, क्योंकि चूल्हे बंद हो गया है। उसके बाद ये दादा केरी तैयारी कर रहे हैं और अपने अलमारी में ये 4 egg देसी एग। एक को अभी फोड़ेंगे, उसके बाद मेरा काम। दादा खाएगा कि नहीं खाए? नहीं खाएगा, सिर्फ मेरे लिए है ये। अब इसको फोड़ के देसी तरीके से हैंड वॉश तो कर लिए हैं, अब इसको फोड़ के खाएंगे। दोस्तों ये मैंने छील दिए हैं और इसके बाद अभी इसमें मिर्ची नमक और ब्लैक नमक काला नमक डालेंगे, मजा आएगा खाने में। मम्मी खाएगा? नहीं खाती मम्मी, नहीं खाती। चाकू का चाकू तो दोस्तों ये बन गया है। इसमें मिर्ची और मैंने डाल दिया है इसके अंदर काला नमक और आप इसको आराम से शानदार तरीके से खाएंगे। इधर मोतिया खा रहा है, तो दोस्तों आइए खाइए मजेदार, क्योंकि आज मैंने बिना उबले हुए गुलगुलाया था। जैसे दोस्तों अभी हम दवा कद्दू में दवा छिटने के लिए पंप तैयार कर रहे हैं। इसमें दवा कहाँ छिटा दादा? दादा कहाँ की दवा छिटांगे? इल्ली मार दवा छिटांगे, दवा कहाँ छे? यहीं रख लो, देखो अपनी यूट्यूब के लिए।
बेचारी को साफ कर देते, फिर जाएंगे तब साफ कर देंगे। अभी तैयार कर रहे हैं उनको, साफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद दवा लाएंगे, फिर वो दिखाएंगे। ये दवाई लेके आ गए हैं और डब्बा घनीपुर चले गए। इसमें डाला है आदित्य का फोलर 1919, ये सब्जी के लिए, फल फ्रूट के लिए, फटी हुई, इसलिए उल्टी नहीं करता मैं इसको, ऐसा करके दिखाता हूँ, ये आपको दिख जाएगी। इल्ली मार दवा, और इसमें अभी लिक्विड डाले, फिर ये टॉनिक है, टॉनिक इल्ली मारनी है, ये टॉनिक है, ये टॉनिक है, और ये इल्ली मार दवा है। ये काय का है, ट्रेपर सुपर महिंद्रा इंसेक्टी, मतलब ये इंसेक्टिसाइड, मतलब ये इल्लियों के लिए स्पेशल है, और ये टॉनिक है। देखो ये ऐसा बनता है इसका लिक्विड, कितना लीटर में कितने फुल फुल है कोई थोड़ा कम से जरा फिर भगवान ले यहां रखनी के कहां पर। तो दोस्तों आई एम रेडी, कल ले जाऊं तो रेडी फॉर है पिचुक पिचुक, अब एक हाथ रखना पड़ेगा है ना यहां पे, यहां चलो ठीक रखूं। दोस्तों हमने काम कर दिया है, और दो हाथ से चलाना है, बैटरी वाला सिस्टम तो है ही नहीं कि बैटरी चला, इसको दो हाथ से चलाया तो मोबाइल मैंने रख दिया था, और तो दादा को तो आ नहीं रहा था इसलिए मैंने मोबाइल रख दिया था, और अब काम हो गया है थोड़ा सा, और बाकी वहाँ पर फेमो रख के उसको हटाएंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। ये माए हमेशा मेरे नानी के घर दाड़की को आती है, और अभी बीमार हो गए थे तो आज आ गए। क्यों माए बीमार नहीं, बीमार हुई ना, मगर ठीक हुई ना, यासो इधर ये आया था वहाँ भिड़ेल से ना, उधर वो मजदूर काम कर रहे हैं, एक दो तीन चार, और माए और दादा इधर कर रहे हैं, और अभी लाइट आएगी तो इधर पानी देना है। तो दोस्तों अभी खाना खाया है और 12 बज गई है, पर अभी तक लाइट नहीं आई है, आज पानी देवा जाएगा, देवाएगा, और आज दादा बना रहे हैं इस लकड़े का जोड़ा बना रहे हैं, जो कपास के अंदर जो जोड़ा बनता है लंबा वाला, उसका जोड़ा बना रहे हैं, तो इसको अभी सीधा कर रहे हैं। तो देखो एक कारीगर, एक पुराने ज़माने में ये बड़वानी के ठेकेदार हुआ करते थे बाबा करके, सकाराम बाबा करके, और अभी खेतीबाड़ी वाले बाबा हो रहे हैं, और माई भैसी नक पानी पे वाड़ी रही और नवाड़ी रही, और एक कुकड़े उन गगा रहे हैं यहाँ पर, और इधर अंडे उन रख देती है मुर्गियाँ, और ये माई नहला रही यहाँ पर, ठंडी कर रही भैंसी को, और उधर मजदूर उन काम कर रहे हैं वहाँ पर, और हवा इतनी चल रही है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आवाज का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हवा चलती है, वाला माइक लगा दो तो अब भी फिर तो मजा ही नहीं आएगा, इसलिए मोबाइल के इंटरनल माइक से ही बात कर रहा हूँ, और आप देखिए फिर ये कैसे क्या ठोकते हैं, मेरे को यहाँ बैठने को बोला है।
यहाँ बैठा हूँ और यहाँ पर मूँगफली इतनी सारी हो गई है और मैं इस पर पानी दे रहा हूँ और ये मजदूर और इतना और बाकी है और ये मेन रोड और यहाँ पर रोपा लगा।